यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज सबसे पहले हम कुछ मुख्य न्यूज़ को हम लोग देखेंगे कि कहाँ थी सुगाची, आप कल नहीं आई थी। कल आप जो है वो है ना, कहाँ आप लोग गायब हो गए थे कल। चलिए, रेगुलर रहिए आप लोग। और आज की रिपोर्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हाँ, सुनीता तो बहुत पहले से यूपीएससी की क्लास करती रही हैं और आज तक कोई क्लास मिस नहीं किया इन्होंने। और सुनीता जो है वो, इनसे मैं भी प्रेरणा लेता हूँ कि कैसे जो है वो है ना, कि डेली कैसे रहा जाए। ऐसे कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं, आप लोग सब लोग नियमित रहिए। देखिएगा सिग्निफिकेंट। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रजत जी, गुड मॉर्निंग। तो ये क्या है कि इसमें देखिएगा कि ऐसे न्यूज़ को हम लोग आज चेकअप करते हैं और वो अच्छे। चलो, मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है जो है, मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है, सोचूं कि पूछूं मैं जो है। आज मॉर्निंग में सोच रहा था कि मैं फ़ोन करके पूछूं अपने स्टूडेंट से कि भाई, चिंता मुझे हो रही थी इस बात की जो है। चलिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। और देखिएगा कि पहली ये है कि इसमें ये है कि है ना, और ये देखिए कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एसडीजी ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ, नीति आयोग का ये एक इंडेक्स आया है। नीति आयोग का जो इंडेक्स है ये आज का काफी महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये इंडेक्स जो है वो। और ये किस तरीके से हाईलाइटेड है, इस बातों पे हम लोग गौर करेंगे कि ये इंडेक्स जो है वो कैसे महत्वपूर्ण है, क्या है। और ये इंडेक्स जो आया है इसमें ये रैंकिंग बताई गई है और केरल जो है उसमें टॉप किया। केरल की वो 75 पे है, केरल वो नीति आयोग के लिस्ट में टॉप किया है इंडेक्स में। और ऐसे हमारे पास न्यूज़ हैं जिसको कि, और इस न्यूज़ को हम लोग इसके माध्यम से करेंगे। ये देखिए, इसको हम इस पे ले आते हैं और इसको हम लोग यहाँ से करते हैं। और ये देखिएगा कि ये पूरा किस तरीके से जो है वो थोड़ा सा और हम लोग इसको ये कर लेते हैं, इस इंडेक्स को जो है वो, ये सस्टेनेबिलिटी जो एसडीजी है, एसडीजी हमारे पास 17 ऐसे मानक हैं, 17 ऐसे, हाँ 17 ऐसे हमारे पास मानक हैं, हाँ एसडीजी के। अब बिहार लास्ट में है, बिहार लास्ट में है। ये बड़ी विडम्बना है, क्या कहिएगा, ये जो है वो बहुत विडम्बना है, ये अच्छी बात नहीं है ये जो है, तो है ना, तो ये विडम्बना है कि इंडिया का जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट है जो है। पहली बात हमने क्या देखी कि कुछ इम्प्रूवमेंट है। और ये देखिए, मैं कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पे, ये इम्प्रूवमेंट पहले किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डे गोल में, किसमें किसमें है, क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और हेल्थ में, साफ सुथरी ऊर्जा में है। हम बहुत बढ़िया, फारूक कल भी, या फारूक नहीं थे शायद, फारूक कल नहीं थे है ना। सब लोग, जब आप लोग, कोई भी व्यक्ति अनुपस्थित हो जाता है तो मुझे चिंता होती है, मुझे ठीक नहीं लगता है कि भाई कम से कम इसी माध्यम से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति वो जब सामने लाइव में आता है तो मजा आता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस कोरोना के समय पे यही अवसर है, कुछ चीजें कुछ क्लास इस पे हो जाती हैं, इसे अब करंट अफेयर्स की क्लास पॉसिबल है और इवन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्लास भी कुछ पॉसिबल है। कुछ सब्जेक्टिव क्लास ऑप्शनल पेपर के क्लास नहीं हो पाते हैं, उसे मुश्किलें थोड़ी आती हैं YouTube पे चाहे ऐसे जो। अब देखिएगा कि, चलिए उस पे सब पे आगे बात करते हैं कि क्लीन एनर्जी जो है वो, साफ सुथरी ऊर्जा, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास और हेल्थ पे जो है वो हमने प्रोग्रेस किया। ये नीति आयोग का इंडेक्स है, तीसरा इंडेक्स है। पहला इंडेक्स 2019 में है, 18, 19 और 20, 18 से इसकी शुरुआत हुई थी।
तो ये तीसरा साल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में डिक्लाइन भी है। देखिए तीन क्षेत्रों में डिक्लाइन है, और इसको लेकर के आगे भी कई बार हम लोग आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल में और भी बहस इस पे होगी, इस पे भी आर्टिकल है, तो सिंपली न्यूज है। जब कोई न्यूज आता है तो उस पर आर्टिकल भी आता है। और देखिए कि इंडस्ट्री पे इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उद्योग में इनोवेशन माने नवोन्मेष और अवसंरचना में, ये उसमें गिरावट देखी गई। तीन चीजों में बढ़ोतरी है, तीन चीजों में गिरावट, और ऐसे ही जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी गिरावट। हम लोग सभी देख रहे हैं कि कोविड की मार पड़ी है, तो निश्चित रूप से उसमें गिरावट का दौर। अब प्रश्न ये है कि इसको इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कि इस इंडेक्स में कुछ खामियां हैं, उसके जो मापन जो यूज किए गए हैं उस मापन में कुछ कमियां हैं। और ये देखिए कि नीति आयोग ने कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को छोड़ दिया है, ऐसे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इसमें छोड़ा गया है जो कि इनइक्वलिटी को बताता है, आय की असमानता कि नीति आयोग हैज ओमिटेड की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज टू मेजर इनइक्वलिटी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर एंड हैज गिवन ग्रेटर वेटेज टू सोशल इंडिकेटर डेंसिटी, यानी कि सोशल इंडिकेटर्स को इस बार ज्यादा महत्ता प्रदान की गई है, वरना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को छोड़ा गया। जबकि 2019 में और 18 जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज किए गए थे किसको, इनइक्वलिटीज को मापने के लिए। देखिए पैसा ग्रोथ तो हो ही रहा है, भारत पैसा ग्रोथ हो रहा है। आप देखिएगा कि जितने बड़ी कंपनियों की जो कैपिटल पूंजी है वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है, वो लाभ में है, और आम आदमी के पास पैसे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें उस इंडिकेटर्स को हम लोग आगे देखेंगे। अब केरल में देखिए केरल की क्या पोजीशन है। केरल रिटेन इट्स पोजीशन एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग इन द थर्ड एडिशन। ये देखिए ये थर्ड एडिशन है, द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडेक्स विथ ए स्कोर ऑफ 75, 75 के स्कोर पे है। एंड इट वॉज फॉलोड बाई तमिलनाडु, द सेकेंड पोजिशन हैज बीन सिक्योर्ड बाई तमिलनाडु एंड द थर्ड पोजिशन इज एसोसिएटेड विद द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज ऑन द थर्ड पोजिशन एंड बोथ स्कोरिंग 72। देखिए अगला बीपीएससी का जो एग्जाम होने जा रहा है, मान लीजिए कि जो प्री का होगा, सुनीता जी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जरूर ये सब इंडेक्स से पूछ दिया जाते हैं, बिहार का नहीं पूछ करके किसी और राज्य का पूछ दिया जाएगा। एंड द अदर एंड द स्केल ऑन द स्केल बिहार झारखंड एंड द असम वेयर ऑन द लास्ट, वो अंतिम में। अब क्या हो गया कि मिजोरम और हरियाणा ने काफी एक बड़े गेन की तरफ आगे बढ़े, और आज देखिएगा एडिटोरियल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अगर महत्वपूर्ण एक नंबर न्यूज न्यूज कहा जाए तो यही न्यूज है आजकल, आज एडिटोरियल से भी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। एंड ये किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, डेवलप्ड बाई ए ग्लोबल कंसंट्रेटिव प्रोसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट 17 SDG, ये 17 SDG है, ये मानक जो है वो 17 है, और इनमें 2030 का डेडलाइन है। हम जब इन्वायरमेंट की क्लास जब हम लोग कर रहे थे, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासरूम प्रोग्राम जो है, हम लोग क्लासरूम जब की बात है, सब हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल, सब इन बातों को डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 का पृथ्वी सम्मेलन से बात हमारी आगे बढ़ती है। तो 92 का दौर जो है वो रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का जो है, और फिर 10 साल के बाद, फिर उसके बाद वो बल्कि रियो 20 जो है, तो 2012 और उसके बाद का अनवरत प्रयास वो उसी दिशा में हम लोग आगे जा रहे हैं। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, बाद में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये चेंज हो गए, अब उसकी डेडलाइन 2030 तक। ये बात एकदम ध्यान में रखना है, इसमें कहीं भी कोई भी भूलना नहीं है। प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुख्य परीक्षा में भी जहां तहां आप इकोनॉमिक्स अगर आप लिखेंगे, एडिटोरियल आज जो है, आज फारूक हिंदी का एडिटोरियल आज जो है वो नहीं है, आज जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन का मेरे पास आज टाइम नहीं बच पाया था जो, लेकिन मैं दोपहर तक वो 2 बजे तक मैं उसको ग्रुप पे डाल दिया कर, ग्रुप पे मैं डाल दूंगा आज हिंदी का, मैं डाल दूंगा हिंदी का एडिटोरियल।
अब देखिएगा कि नीति आयोग का जो है वो, हाँ तो वो मिल जाएगा आपको जो है। अब देखिएगा नीति आयोग का जो है इंडेक्स जो है वो, और ये देखिएगा कि 2018 में ये लॉन्च किया गया था। नीति आयोग लॉन्च इंडेक्स इन 2018, एंड व्हाई इट लॉन्च इंडेक्स, द पर्पस ऑफ द इंडेक्स इज टू मैपिंग द कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन दिस एसडीजी गोल्स थ्रू डाटा ड्राइवन असेसमेंट एंड ए क्रिएटिंग ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एमंग द पार्टिसिपेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाती है आपको जीवन में। हम लोग इस पे क्या है, हम लोग इस चैनल पे भी आ रहे हैं, प्रत्येक दे प्रतिदिन लोग आ रहे हैं इस पे, प्रतिदिन लोग बैठते हैं, उससे क्या होता है कि आप उसको प्रतिस्पर्धा में आ पाते हो। मैं कई सारे क्वेश्चन में पूछते रहता हूँ इस पे, उस क्वेश्चंस को आप जवाब देते हो तो इससे क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि नहीं। कई बार पिछले की भी बातों को हम लोग उठाते हैं तो इससे आपको प्रतिस्पर्धा आपके बीच पैदा होती है। ठीक, नीति आयोग ने भी इस काम को इसलिए किया कि राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़े। केरल अब एक नंबर पे है, तो बिहार के मुख्यमंत्री को जवाबदेह होना पड़ेगा कि हमको भी एक नंबर पे आना, हमको भी एक नंबर पे आना चाहिए। देखिए हिमाचल प्रदेश दक्षिण भारत से दो राज्य आ गए, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश क्यों नहीं है, और हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है वो भी आगे है। तो कहने का मतलब कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, यूनियन टेरिटरीज के बीच प्रतिस्पर्धा हो इस एसटीजी को वो के पालन करने में, और इससे ओवरऑल क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास जिसको कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो। और देखिएगा मार्च में जो बातें आई थी यूएन का जो असेसमेंट एक है कि COVID-19 का एसटीजी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसमें ये बातें बताई गई हैं कि द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द COVID-19 ऑन द इंडिया विल सी सम राइजिंग इन इनइक्वालिटी ड्यू टू द पेंडेमिक। लोगों में आय की असमानता बढ़ेगी, लोगों के बीच में अब बहुत उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग नौकरी से निकाल दिए गए, ऐसे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आई, तो उन व्यक्तियों में क्या होगा, इनइक्वलिटी असमानता इसने और बढ़ा दिया पेंडेमिक ने आकर। कुछ लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं, बाकी के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। तो नीति आयोग का अब इसके ओवरऑल हम लोग क्या कहेंगे नीति आयोग के इंडेक्स पे, कि ओवरऑल जो है वो कि सब कुछ इंप्रूवमेंट है असमानता में 2020, लेकिन इंडिकेटर्स इसको क्या यूज किए गए हैं इसमें भी वो बाजीगरी कुछ किया गया। अब इंडिकेटर्स में देखिएगा कि इंडिकेटर्स में क्या क्या चीजें यूज की गई, मजा आता है जब आप उसको माइन्यूट डिटेल्स को आप पढ़ते हो। इसे मान लीजिए, और इसमें क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में आ सकता है कि किस तरीके से भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के होते हुए भी आय की असमानता बढ़ रही है। इंडिया यू विल सी ए क्लियर पैराडॉक्स कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है और आय की असमानता बढ़ रही है, इसको कैसे सिद्ध, कैसे इसको आप इस पर टिप्पणी कीजिए, इस पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है मुख्य परीक्षा, इससे के लिए निबंध के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में जो आप आय की असमानता जो आप पढ़ते हो, गरीबी पढ़ते हो, उस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉवर्टी और इनइक्वलिटी जो है वो आज के डेट में पॉवर्टी कैसे पढ़ाया जाता है, इनइक्वलिटी कैसे में पढ़ाया जाता है, इवन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमारा कुछ सवाल है इसमें कुछ लोगों से। बच्ची आप बताइए और सुनीता भी बता पाएंगे, सक्षम होंगे, कि मानव विकास सूचकांक में असमानता को किस तरीके से दिखाया जाता है, लिख के भेजिए हमको। मानव विकास सूचकांक आप पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसको किस तरीके से आय के समानता को दिखाया गया, और किस ईयर से चेंजेस उसमें, उसके मानकों में कैसे चेंजेस किए गए हैं वो बताइए, वो लिख करके भेजिए। या आय का असमानता जब आप मानव विकास सूचकांक में आय की असमानता को कैसे मापा जाता, उसको लिख के भेजिए। तो ऐसे बीच बीच में हम देते रहते हैं आपको कि किस तरीके से। अब देखिए 2019 में क्या था कि जो आय की असमानता का द इंडिकेटर्स फॉर इनइक्वलिटी इंक्लूडेड द ग्रोथ रेट फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा एमंग द बॉटम 40% ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन।
हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये शहरी और अर्बन पॉपुलेशन जो 40% है, निचला 40%, उसमें प्रति परिवार पे कितना एक्सपेंसेज वो परिवार में करते हैं, कितने खर्च करते हैं, उसको आधार बनाया गया था ये। साथ ही साथ गिनी कोफिशियंट पे, एक बार यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2014 में, 2013-14 के आसपास, गिनी कोफिशियंट पे, गिनी कोफिशियंट पे दो बार क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। आपके लिए भी अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिपीट किया जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें रिपीट होती। और गिनी कोफिशियंट क्या बताता है कि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, ये मेजरमेंट का एक तरीका है गिनी कोफिशियंट। तो दो चीजों को आधार बनाया गया 2019 के इंडिकेटर में, और 2018 का जो इंडिकेटर है इसमें पलमा रेशियो निकाला गया। पलमा रेशियो एक इनकम इनइक्वालिटी की, आय को असमानता को मापने का एक अलग तरीका है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल मेथड्स टू यूज फॉर मैपिंग इनकम इनइक्वालिटी। फर्स्ट इज द गिनी कोफिशिएंट एंड सेकंड इज द पलमा रेशियो। नो, ये तो सही है कि हेल्थ एजुकेशन और इनकम से होता है, लेकिन आय की असमानता का डेविएशन निकाला जाता है, आय की असमानता का जस्टिफाइड किया जाता है इसमें। ये 2010 में मानकों में चेंज आ गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो है वो, ह्यूमन डेवलपमेंट। कल इस चीज को हम लोग टॉपिक को उठाएंगे, कल स्पेशल कुछ इसमें हम लोग लेके भी आएंगे। मैं इस टॉपिक को कल इसके लिए स्पेशल एक हाफ एन आवर का मैं एक वीडियो एक बना दूंगा इस चीज पे जो है वो, इस चीज पे मैं एक बना दूंगा, तब तक आप लोग भी पढ़ के रखिएगा इसको। लेकिन मेरा सवाल वो था कि मानव डेवलपमेंट इंडेक्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अच्छे से आप पढ़िए वो, और उसको पूरे इतिहास को आज पढ़ जाइए, पढ़ करके देखिए कि 2010 के उसके मानकों में क्या चेंजेस आए हैं, इनइक्विटीज को एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, उसका क्या फार्मूला है। अगर प्री में सवाल आ जाएगा कैसे आप लोग बनाएंगे उस बात को, उस बात को कैसे बनाएंगे आप लोग इसको, ऐसे मसलों पे छोटे छोटे हम लोग वीडियोस लेकर के आएंगे। मैं आज इवनिंग में या कल हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे अलग से, ठीक है। अब देखिए कि सच इकोनॉमिक मेजर्स हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द इंडिकेटर्स यूज फॉर दिस एसडीजी इन द 2020 एडिशन ऑफ द इंडेक्स। लेकिन ये दोनों ही मेथड को छोड़ दिया गया, पलमा रेशियो, गिनी कोफिशिएंट और पर कैपिटा एक्सपेंसेस ऑफ द 40% रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ये सभी इंडिकेटर्स को इसमें छोड़ दिया गया। अब लोगों ने क्या यूज, इस बार क्या यूज किया गया सरकार ने, सरकार को तो अपने कद काठी को बढ़ाना। रादर इन 2020 इट गिव्स ग्रेटर वेटेज टू सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर्स, सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर्स को यूज किया गया। एंड व्हाट इज द सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर्स, परसेंटेज ऑफ वीमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। This year, social indicators has been used in place of economic indicators. Social indicators includes seats, which was dedicated to scheduled caste SC ST representative like MLAs in state assembly and panchayati raj institutions, and the levels of crime against the SC ST communities. में crime कितने हुए उनके खिलाफ जो है, इस दो को आधार बनाया, तो इसके आधार पे तो हो ही जाएगा। आज के डेट में भाई एससी एसटी रिजर्वेशन जब हुआ तो पंचायती राज से लेकर के सभी जगह उनकी रिप्रेजेंटेशन तो, बट सोशल इंडिकेटर्स आर नॉट टोटली जस्टिफाइड। कोई नेता बन गया किसी कम्युनिटी से, इसका मतलब क्या है कि सारे लोग जो है वो अमीर हो गए। मान लीजिए किसी कम्युनिटी से एससी और एसटी कम्युनिटी के हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, पंचायती मुखिया बना दिया, प्रधान बना दिया, तो प्रधान अगर हमने बना दिया उस कम्युनिटी के, तो क्या सारे के सारे लोगों के पास सोने के सिक्के चले आए, एक एक सोने के सिक्के आ गए, बताइए कैसे होगा। तो ये मापन ठीक नहीं है, ये मापन ठीक नहीं। मापन तो ये क्या होता कि प्रत्येक परिवार का कितना एक्सपेंसेज है उसको माना जाता जो है, उसको माना जाता जो है। और अगर क्राइम रुक गया तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, तो क्राइम रुक गई, बात खत्म। रोड में सुधार हुआ, क्राइम रुक गई, अच्छी बात। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में केवल एक ही इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोएस्ट टू वेल्थ क्वांटाइल्स,
हाँ ये बिल्कुल है। तो अच्छी, अब मैं ये चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि अब जाकर के आपको पता चला, इसीलिए ये बातों से ऐसे ही मैं चाहता हूं जो है, मैंने सभी चीजों की बहुत डिस्कशन किया है। मैं इकोनॉमिक्स की भी क्लास लेता हूँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे जहाँ जहाँ तहाँ पे मैं, तो कई कई जगहों पे मैंने इकोनॉमिक्स भी खूब पढ़ाया है, तो ये इस पे बहुत बहुत चर्चा मैंने की है, बहुत चर्चा की है। ये मैं खोजता हूं, आप एकदम कोई जवाब दीजिए तो पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए तो, लेकिन इतना विलंब से जवाब आया, जवाब मुझे जो है वो विलंब से नहीं चाहिए, जवाब जो है एकदम जो है वो है ना, वो केंद्र सरकार जैसा जवाब बहुत दिन के बाद 10 दिन के बाद आप दीजिए, नहीं है ना, ऐसे ही होता है, लाइव क्लासेस का यही मजा होता है, चीजें पूछी जाती हैं आप जवाब देते हो, लाइव क्लासेस का यही वो लाभ है, सबसे बड़ा लाभ जहन में आ जाती है ना चीजें जो है, ये तो आती रहती है चीजें कि कब किससे कैसे पूछना है, जब तक आपसे कोई चीज पूछी जाए तब तक आपको तो रुचि ही जागृत नहीं होगी, क्वेश्चन व्हेन एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड देन माइंड शार्पन्स, दिमाग तेज होता। ओनली इकोनॉमिक इंडिकेटर इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोएस्ट टू वेल्थ क्विंटाइल्स। अब क्विंटाइल्स क्या है, सब देखिए गौर करिए इन सब शब्दों पे, और देखिए आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स क्या है, और ये देखिए विथ कंपोजिट स्कोर ऑफ 75 केरला टॉप द नीति आयोग 2020 इंडेक्स बेस्ड ऑन द स्टेट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 16 पे निकाला गया, ठीक है, ए स्कोर ऑफ 100 इंप्लाइज दैट द स्टेट यूटी हैज अचीव टारगेट सेट फॉर 2030, ए स्कोर ऑफ 0 इंप्लाइज दैट इट इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, 0 पे है तो 0 पे है, 100 पे तो, है ना, इस तरीके से निकाला जाता है। देखिए नो पॉवर्टी में तमिलनाडु, 0 हंगर केरला, पूछा जा सकता है कई बार इसमें से चीजें पूछी जा सकती हैं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग गुजरात, क्वालिटी एजुकेशन केरल आप लोग जानते ही, जेंडर इक्वालिटी छत्तीसगढ़, क्लीन वाटर सैनिटेशन गोवा, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात, रिड्यूस इनइक्वालिटी मेघालय, सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिकेशन पंजाब, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन त्रिपुरा, क्लाइमेट एक्शन लाइफ बिलो वाटर ओडिशा, लाइफ ऑन लैंड अरुणाचल प्रदेश, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन उत्तराखंड, ऐसे हैं ये तो, रिपोर्ट बहुत डिटेल्स है, लेकिन इसकी बातों को हम लोग, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, दैट डू डील डायरेक्टली विथ वेजेज एंड इंडस्ट्री ग्रोथ बेटर रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट इंडिया इकोनॉमी हैज बीन टेकन ए बीटिंग ओवर द लास्ट ईयर, लेकिन जो वेज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, वेज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये एसडीजी जो इसमें देखा गया, इसमें क्या हो गया कि भारत की इकोनॉमी जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पैरामीटर पे हमारे पारिश्रमिकों में वृद्धि नहीं हुई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम पीछे रहे जो है वो, और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, इससे हमारी पॉइंट्स जो है वो 50 कई सारे स्कोर पे नापा जाता है इसको, वो 55 हमारा रहा, और फिर एवरेजिंग निकाली जाती है, डिसेंट वर्क क्लीन वाटर सैनिटेशन इसपे भी हमारी ड्रॉपिंग वो हम गिर गए, जो कि सरकार की वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है क्लीन वाटर। अब हमने कल पूछा था ना जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में हमने कल पूछा था जो है, जल जीवन मिशन, जल जीवन जेजेएम, जल जीवन मिशन के बारे में पूछा था हमने कब स्टार्ट हुआ, तो जबकि सरकार की उसमें, और स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, इन दोनों अभियानों के बावजूद जो है वो हमारी स्थिति में कुछ गिरावट आई। फिर आप देखिएगा कि अगले न्यूज को हम लोग उठाते हैं, सेकेंड न्यूज है जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन चार्ज। हमने कल ही परसों बताया था कि विनोद दुआ के केस की सुनवाई होने वाली है, ये हमने इस चीज को बताया था, ये आज की जो है वो सेकेंड न्यूज है कि सेडिशन पे लगातार मामले आ रहे हैं, हमने देखा कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश का
आंध्र प्रदेश के वो सांसद राजू के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी ने भी वो केस लाया था, सेडिशन केस, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन बातों को लिखा था कि नहीं, इसको इस पे एक रिवीजन की जरूरत है, सेडिशन केस को। और देखिएगा, एक विनोद दुआ के खिलाफ और पत्रकारों को सेडिशन चार्जेस के खिलाफ एक सुरक्षा देना है, ये बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और विनोद दुआ के खिलाफ जो एक्शन है, उस एक्शन को इन्होंने खारिज कर दिया। और स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा, ये वेल्डन बहुत अच्छा, सभी स्कीम्स को बिल्कुल अपने याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि हर एक जो ये है उसको याद रखना है। अब देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ क्या है, पहले ये बात, विनोद दुआ एक बहुत ही पत्रकारिता में अगर भारत में किसी का नाम लिया जाए, नहीं रिसेंट जो है, जो लोग जिंदा हैं, ऐसे तो पुराने में बहुत लोगों का नाम आएगा, लेकिन विनोद दुआ पत्रकारिता के एक तरीके के से पायोनियर है, बहुत पुराने पत्रकार हैं। और नेशनल, आपको आईएएस की मसूरी एकेडमी में भी मनमोहन सिंह ने इनको बुलाया बुलाया था लेक्चर देने के लिए। संयोग से विनोद दुआ साहब जो है वो, और मेरी भी 2007 में, 2008 में, 2008 में मेरी मुलाकात विनोद दुआ साहब से, विनोद दुआ साहब से एनडीटीवी में, और पत्रकारिता के कुछ पक्षों पे, पत्रकारिता के वो चाहते थे कि एक एडवाइजर के रूप में करंट अफेयर्स पे मेरी वो नियुक्ति करने का उन्होंने एक ऑफर भेजा था कि पत्रकारिता में थोड़ा बहुत आप समय दे सकते हो क्या, तो मेरा उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। और उन्होंने भारत श्रीलंका मसले को, मुझे याद है, आज की बात नहीं है, 12-13 साल बाद हो गया, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे भारत श्रीलंका संबंधों के बारे में, और उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके साथ काम करूं, लेकिन मेरे समय की और टीचिंग में मुझे समय नहीं था कि मैं उनके साथ सहयोग दे पाऊं। लेकिन वही मेरा मेरा अंतिम मुलाकात है, जो करीब 12 साल पहले, काफी समय हो गया। विनोद दुआ का मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत जो है वो, और बहुत गंभीर नॉलेज था, बहुत गंभीर नॉलेज, क्योंकि भाई वो राजीव गांधी के समय में भी थे, उन्होंने एक एक बातों को पूछना शुरू किया, किस तरीके से लिट्टे का क्या है, ये है, तो अपार जानकारी है उनकी, जो भाई होता वो उनका तो पेशा है, तो बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा तर्क शक्ति भी उनके है। आइए, हम विनोद दुआ को, वो उनकी बातों को थोड़ी सी मैंने जिक्र कर दी, अपनी पर्सनल बातों को, मुझे याद आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक क्वेस्ट कर दिया, एक सेडिशन केस जो उनके खिलाफ था, और ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड पद्मश्री अवार्डी हैं विनोद दुआ, और वो खबरदार कार्यक्रम आता था उनकी, उनकी प्रोग्राम जो है खबरदार आता था, और खबरदार में भी जो उनके प्रोग्राम थे उसी संबंध में वो हमसे बातचीत उन्होंने किया था, जो अब तो बहुत सीनियर, वो एनडीटीवी के कुछ मालिकाना भी उनके पास है, उनके वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और यूनियन गवर्नमेंट को एक यूट्यूब टेलीकास्ट में उन्होंने उसकी वो आलोचना की थी, अंडरस्कोरिंग इट्स 59 ईयर ओल्ड वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट इन द केदारनाथ केस। इन द केदारनाथ केस सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ वर्डिक्ट दैट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ऑफ डिसअप्रूवल अबाउट द रूलिंग रेजिम डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन। अगर किसी सरकार के खिलाफ अगर कड़े शब्दावली का प्रयोग करते हो तो क्या सेडिशन का केस बनेगा? नहीं। हम भी इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कई बार सरकार की आलोचना करते हैं कि सरकार पेंडेमिक कंट्रोल नहीं कर पाई, फिसड्डी हो गई, ये हो गई, तो क्या सेडिशन का चार्ज आप लगा दोगे हमारे खिलाफ? आप सेडिशन का चार्ज लगा दोगे? जब तक कि सेडिशन का चार्ज तभी बनता है जब तक कि पब्लिक ऑर्डर भंग नहीं हो जाए, जब कोई लोग वायलेंस करने लगे हमारी बातों से, अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो सेडिशन चार्ज लग जाए। तो विनोद दुआ ने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर को, यूनियन गवर्नमेंट को उन्होंने आलोचना की, बड़ी क्रिटिकल आलोचना की थी, तो उसी बात पे ये सेडिशन के ये बातों का लिखा गया है। ए बेंच लेड बाय जस्टिस यूयू की एवरी द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन दिस केस दैट द एवरी जर्नलिस्ट हैज ए राइट टू क्रिटिसाइज इवन ब्रूटली द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो कर सकता है, जर्नलिस्ट का तो काम ही है पत्रकारिता, क्यों? क्योंकि इससे जनता का भला होता। इफ द मेजर्स ऑफ विथ ए पर्पस, इफ ए जर्नलिस्ट क्रिटिसाइजेस
ए गवर्नमेंट्स पॉलिसी और एक्शन विद ए व्यू टू इम्प्रूविंग एंड अल्टरिंग देम थ्रू लीगल मीन्स। बाय लीगल मीन्स द फ्री स्पीच ऑफ द जर्नलिस्ट, फ्री वो तो वो राइट टू उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहाँ दिया गया है आर्टिकल 19 में जो विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। द फ्री स्पीच ऑफ ए जर्नलिस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम चार्जेज ऑफ सेडिशन। वो आम आदमी को जैसे है वैसे जर्नलिस्ट को भी है, जर्नलिस्ट को भी है। द राइट टू अटर ऑनेस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म, देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है और ये आपके लिए एसे के लिए उपयोगी हो सकता है, मेंस में क्वेश्चन हो सकता है कि हाल फिलहाल के दिनों में किस तरीके से सेडिशन चार्जेस के बढ़ती हुई संख्या के प्रति सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके के गाइडलाइंस हैं और उसके दुरुपयोग के मामले बढ़े हैं, इस पे क्या विचार है? क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है ऐसे आप लिखोगे, जब तक रिसेंट जानकारी नहीं रहेगी कैसे आप लिखोगे, रिसेंट जानकारी तो होनी चाहिए। तो राइट, अब उसमें ये मामले को लिखोगे आप, जो कि विनोद दुआ का मामला, ऐसे मामले, केदारनाथ केस आप लिखोगे। इसीलिए क्या होता है कि पॉलिटी की चीजें अपडेटेड होती है, इवन जो बीपीएससी की एग्जाम देने जा रहे हो तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो एवरेज नंबर आ जाता, एवरेज नंबर आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें और ये बातों को हम देखते हैं कि क्या अच्छी बातें इसमें कही गई है। द राइट टू इन द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द राइट टू अटर ऑनेस्ट एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म इज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू ए कम्युनिटी रादर देन ए वीकनेस द जजमेंट सेट। इफ यू क्रिटिसाइज एंड योर क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन ए रीजन एंड योर पर्पस इज ऑनेस्ट, इट इज ए स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी नॉट द वीकनेस ऑफ द कम्युनिटी। ये आपकी स्ट्रेंथ है, जो समुदाय की स्ट्रेंथ है कि आप किसी बात को आलोचना कह सकते। एंड द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द स्पिरिट एंड इंटेंट ऑफ द 1962 केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट। केदारनाथ सिंह का केस आया था 1962 में, और आपको केस भी याद रखिए, पुत्तु स्वामी केस, केदारनाथ सिंह केस। तो ये क्या है कि इन केदारनाथ सिंह में भी कहा गया था कि कमेंटिंग इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स अपॉन द मेजर्स और एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज सो एज टू एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ द पीपल और टू सिक्योर द कैंसिलेशन और अल्टरेशन ऑफ दोज एक्ट्स और मेजर्स बाय लॉफुल मींस विदाउट एक्साइटिंग दोज फीलिंग्स ऑफ एनमिटी एंड डिसलॉयल्टी विच कैन बी एक्साइटमेंट टू पब्लिक डिसऑर्डर और वायोलेंस इज नॉट ए सेडिशन। ये केदारनाथ सिंह ने कहा गया कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हो और उससे अगर कोई कोई वायोलेंस क्रिएट नहीं होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, पब्लिक डिसऑर्डर कोई भंग नहीं होती है, हो तो सेडिशन नहीं है, वो सेडिशन नहीं। एंड इन द 1962 जजमेंट ऑफ द केदारनाथ सिंह, ये याद रख लीजिएगा केदारनाथ सिंह केस को, इट सेड दैट द सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड जो सेडिशन को डील करता, ये क्यों लाया गया था? ये लाया गया था, द इंटेंशन वाज ओनली टू पनिश सबवर्सन ऑफ लॉफुल एस्टैब्लिश गवर्नमेंट एंड देयर वायलेंट मींस। कि भाई कोई एस्टैब्लिश रेजिम के खिलाफ कोई अगर वायलेंस क्रिएट करता हो उसको रोकने के लिए सेडिशन चार्जेस हैं 124A के तहत, उसके लिए ये वो सेडिशन के चार्जेस लाए गए थे। इंडियन पेनल कोड 1860 का पुराना कानून है, अब उसमें सरकार ने बाद में उसमें जोड़ दिया 124A जो है वो कि ऐसा कोई एस्टेब्लिश रिजीम कोई सरकार के खिलाफ कि भाई आप भाषण दे कि सरकार को के विरोध विद्रोह कर दें, रिबेलियन कर दें, उखाड़ फेंकें, ऐसी बातों को अगर आप कहें तो सेडिशन है। लेकिन आलोचना करते हो उसकी पॉलिसीज का विद द कंडीशन ऑफ विद द टारगेट ऑफ एवेल्युएटिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों में के स्थिति में सुधार आए, तो ये सेडिशन चार्जेस नहीं है। इन बातों को देखोगे कि ये ऐसे केसेस का है, ये एक इम्पोर्टेंट केस है। और अब देखिए व्हाट्सएप का भी ये तीसरा मेन न्यूज का ये तीसरी बात है। अब देखिए सरकार इसके खिलाफ चली गई कि व्हाट्सएप ऑब्टेनिंग ट्रिक कौन से। आप देखेंगे जब भी आजकल व्हाट्सएप खोलते हो इस पे नहीं, वो हमको लगता है कि
लैपटॉप पे या ये पे कई बार उसके मैसेज आ जा रहे हैं, अभी तो मैसेज नहीं आ रहा है लेकिन हमने भी मैसेज एक दो बार देखा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, पहले व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में गया, अब सरकार उसके पीछे एफिडेविट में गई, सरकार का क्या कहना है वो देखिए। द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट व्हाट्सएप इज इंडल्जिंग इन एंटी यूजर्स प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट कह रही है कि आप एंटी यूजर्स जो है वो एंटी यूजर्स प्रैक्टिसेस में आप जो है वो एंटी यूजर्स प्रैक्टिसेस में आप लिप्त हो गए। एंटी यूजर्स प्रैक्टिसेस बाय ऑब्टेनिंग ट्रिक कॉन्सेंट। ट्रिकी कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? ट्रिकी कॉन्सेंट का मतलब होता है एक आपने कोई एक ब्लॉग बना दिया कि इस पर टिक कर दीजिए और आपको उसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी मिली, उसको ट्रिकी कॉन्सेंट कहा जाता है। कि और प्राइवेट पॉलिसी पहले 15 मई तक उसको होना था, 15 मई तक उसने, बाद में वो कहा कि आप नहीं भी अगर कॉन्सेंट देते हो तब भी आपके अकाउंट को हम डिलीट नहीं करेंगे, इन बातों को उसने कहा था। उसी बात पे जो है वो मंत्रालय गया है कोर्ट में और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री इट हैज बीन सेइंग दैट सॉरी बम्बार्डमेंट Bombarding million of its existing users who have not accepted an updated 2020-21 private policy with notification on a daily basis. Daily basis pe you are getting a notification. You should consent with its private updated private policy. साथ में ये भी लिखा रहता है कि नहीं भी करोगे तब भी अकाउंट को डिलीट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि भाई आप कर लो, ये बातें हैं। इसी बातों को बाद में भी न्यूज में दिखाया गया कि व्हाट्सएप इज इंडल्जिंग इन एंटी यूजर्स प्रैक्टिसेस। और इसमें देखिएगा कि अब मिनिस्ट्री हैज अर्ज्ड द कोर्ट टू गिव अ डायरेक्शन टू व्हाट्सएप। गवर्नमेंट कह रही है सरकार को कि आप व्हाट्सएप को ये कहो कि आप इसके एक्शन को और नोटिफिकेशन को भेजना आप जो है वो बंद करो, नोटिफिकेशन को भेजना आप बंद करो और करंट जो नोटिफिकेशन है ये अब इसके केस में है कि ये कंपटीशन का देखिए एक नया इसमें चीज आया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई। सीसीआई क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी लिख के भेजिए, लिख के भेजिए कब हुई थी। The government has said in his affidavit in the court that it is the prima facie, it is the violation of the opinion of the Competition Commission of India order of March 24, 2021. March 24, 2021 को सीसीआई ने एक अपना ओपिनियन दिया। सरकार का कहना है कि सीसीआई का जो है वो उल्लंघन है एंड सीसीआई हैज कॉल्ड फॉर ए इन्वेस्टिगेशन इनटू व्हाट्सएप न्यू प्राइवेट पॉलिसी। एक बहुत अच्छा 2003 में वेल्डन, बहुत अच्छा। इसके लिए सबको भी कंपटीशन कमीशन इंडिया की स्थापना की गई थी कि वो प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया जाए, प्रतिस्पर्धा को जो है वो नियंत्रित किया जाए इस बात के लिए वो दिया गया, उसकी स्थापना की गई थी। और वो मोनोपोली उसके जो एमआरटीपी एक्ट जो था उसको उसके रिप्लेस करके इसको लाया। पहले हमारे पास क्या था, एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव वो रेजीम के को लाया। एमआरटीपी एक्ट को हटा करके हमारे यहाँ क्या लाया गया, सीसीआई लगाया आया। अब देखिएगा कि न्यू प्राइवेट पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीसीआई ने कहा और इसमें सीसीआई के डिटेल्स ये सब चीजें दी गई हैं कि क्या, क्योंकि कंपटीशन को वो हानि पहुंचाता है कौन, व्हाट्सएप। और इसकी न्यू पॉलिसी को इसने सीसीआई ने अध्ययन किया और ये कमीशन का ये व्यू था कि टेक इट और लीव इट, आप या तो लो नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इज ए नेचर ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ व्हाट्सएप कि ये एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस पे होना चाहिए, मार्केट के पोजीशन को और मार्केट पावर को चूंकि ये प्रभावित कर रहा,
इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुशंसा कर दिया था किसने, सीसीआई। और इसको वो न्यू प्राइवेट पॉलिसी को लेकर के सीमा सिंह ने, ये कोर्ट में गई है सीमा सिंह, जिन्होंने व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेट पॉलिसी को चैलेंज किया, न्यू प्राइवेट पॉलिसी को चैलेंज किया है। इस तरीके के बहुत सारे पिटीशन हैं। और ये फेसबुक का, फेसबुक ने इसको अधिग्रहण किया है और डिफरेंट कोर्ट में व्हाट्सएप के खिलाफ जो है वो उसके प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ दायर किया है। इवन क्या कहता है कि मिनिस्ट्री उसके पहले भी ये कह चुकी है कि न्यू प्राइवेट पॉलिसी इज इन द नॉट ट्यून विद द आईटी रूल्स 2011। आईटी रूल्स 2011 में भी कुछ नियम बने थे और फिर 2021 में भी नियम बने हैं, एक्चुअल आईटी एक्ट 2000 का। तो 2011 के नियमों का भी वो प्राइवेट पॉलिसी जो है वो उसका उल्लंघन है। उसमें क्या है प्राइवेट पॉलिसी कि आपके शेयर को, आपकी जो बातें हैं उस बातों को वो शेयर कर सकती है, इसी बातों को लेकर के प्राइवेट पॉलिसी पे भी बात। एक और न्यूज है जो कि उस न्यूज को हम लोग देखेंगे, न्यूज पेपर से हम लोग आ जाते हैं न्यूज पेपर में और आगे की बातों को हम लोग देखते हैं कि उस न्यूज पेपर में ऐसी कौन सी बातें आज के वो दी गई हैं। हम लोग न्यूज पेपर को लेकर चलते हैं, इसमें हम लोगों ने सब दिखा दिया आपको कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। और एक और है कि फाइजर जेजे जॉनसन जॉनसन मॉडर्ना से मिनिस्ट्री की बातचीत चल रही है कि किस तरीके से जो है वो वैक्सीन की सप्लाई और तेज की जाए। हमारे पास अभी चारा क्या है कि हमारे पास बाहर से भी वैक्सीन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है, तो इसके लिए वो सरकार ने न्यू वैक्सीन के लिए बायोलॉजिकल ई को ऑर्डर दिया। बायोलॉजिकल ई जो है वो 30 करोड़ डोज प्रोड्यूस करेगा अगस्त से लेकर के दिसंबर के महीने, और वैक्सीन की ट्रायल फेज 3 ट्रायल चल रही, यानी कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 2 के बाद ये तीसरी देसी कंपनी है। हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन कंपनी फर्म है बायोलॉजिकल ई, तो उसको जो है वो कोविड 19 के लिए ये तीसरा, चूंकि हमारे पास बाहर से मिलने की भी संभावना नहीं है। एक और है कि गौतम गंभीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये किया कि गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ ये लगाया है कि फेविप्रू उन्होंने खरीद के, और अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है कि डूइंग चैरिटी फॉर्म सम अदर रीजन इज नॉट चैरिटी, कि चैरिटी जो है अगर दूसरे कामों के लिए चैरिटी, अगर चैरिटी के लिए अगर चैरिटी आप करते हो तो ये बातें अच्छी नहीं है। हाईकोर्ट के ये वो गाइड को, और इन पे आरोप लगा है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में फेविप्रू खरीद करके और ये बेच रहे थे। तो ये न्यूजेज हैं। एक न्यूज और था उसको हमने करा दिया आपको, सेडिशन चार्जेस जर्नलिस्ट का जो है वो किस तरीके से, इसको हमने वो स्लाइड के माध्यम से इसको हमने समझा दिया। अब हम देखते हैं कि वो न्यूज में और क्या कोई बातें हैं जो कि, और हम सीधे आपको लिए चलते हैं वो पेज, आगे के पेज पे। और ये आज के डेट में ये बहुत रूरल हेल्थ पे आया है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ये चीफ मिनिस्टर का आलेख है पॉलिटिकल, क्योंकि वो पॉलिटिकल उनके चीफ मिनिस्टर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उनका कुछ पॉलिटिकल, इसलिए छोड़ सकते हैं। ये एक आप पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे अगर समय बचेगा। लेकिन ये वैक्सीन पे ही है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वैक्सीनेशन पे, उसी पे आर्टिकल है, उस पे आर्टिकल है। उसकी कुछ बातों को बहुत समरी के रूप में हम लोग देख लेंगे जो है, इसका मैं हिंदी नहीं लेके आ पाया हूँ। और ये देखिएगा कि वो, ये भी वो छोड़ सकते हैं आप जो है वो, और ये भी जो है वो बायलेटरल टाइज पे है कि किस तरीके से सिंगापुर के खिलाफ वो वेरिएंट कह दिया था केजरीवाल साहब ने, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसको टैरिफ को छोड़ सकते हैं, इसको थोड़ी सी चीजों को हम लोग यहीं पे देख लेंगे, इसको हम लोग इसी पे हम लोग देखते चलते हैं, इसको हम लोग देखते चलते हैं कि कुछ बातों को हम लोग देखते चलते हैं कि क्या बातें उसमें कही गई हैं। वैक्सीन की सभी बातें हैं इसमें, हम लास्ट में कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ ये है, इसी पे कुछ हम लोग फोकस करते हैं कि भारत की जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो कोवैक्स का जो है वो, और भारत जो है वो एक अफ्रीका में और बहुत सारे कंट्री में उसने वैक्सीन को जो है वो भेजे, जो जहां पे वैक्सीन की डेवलपमेंट की फैसिलिटी नहीं है,
लेकिन अब क्या हुआ कि सरकार जब भारत में सेकेंड वेव आया तो सरकार उसमें पीछे हटने लगी, और वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उसने कहा कि भाई आप सप्लाई उन देशों को मत भेजिए, देश में ही ज्यादा सप्लाई की आवश्यकता है। तो अब क्या है कि इंटरनेशनल सप्लायर्स जो है वो भारत को ट्रस्ट आज के डेट में नहीं कर रहे हैं कि हमको लार्जेस्ट सप्लाई वो मिल पाए। अब इंडिया को इससे क्या घाटा है, इंडिया जो निगोशिएट कर रहा है और शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई देश में बढ़ जाए, उसपे क्या हो गया कि और लोग भी डाउट कर रहे हैं। अब क्या है कि भारत की कुछ साख में गिरावट आई है, भारत के साख में गिरावट आई है। अब क्या है कि वो अंतिम उपाय इसमें यही बताया जा रहा है कि देर इज ए ऑप्टिमम ऑफ इंक्रीज एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई ऑफ भारत बायोटेक एंड सीरम बाई अगस्त एंड एट दिस स्टेज इट अपियर दैट द सेंटर हैज फ्यू ऑप्शंस अदर देन वेटिंग फॉर इट्स डोमेस्टिकल सप्लायर टू रेज इट्स प्रोडक्शन। कि सरकार के पास बस एक ही चारा है कि डोमेस्टिक सप्लायर्स को आप आगे बढ़ा दो, क्योंकि अभी जेजे मॉडर्ना और वो एस्ट्रोजेनेका की जो सॉरी जेजे मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन अभी अमेरिका ने कमिटमेंट अभी नहीं किया है, बातचीत हमारी जारी है। तो इसके लिए क्या है कि अब हमारे देश में ही वैक्सीन बनाने की हमारे पास जरूरत है, और इसीलिए इसी संदर्भ में इस आर्टिकल तो एक ही आया ही, साथ में आज ही के डेट में देखिए सरकार ने बायोलॉजिकल ई के नाम से हैदराबाद बेस्ड कंपनी को वो सैंक्शन भी किया, और इसमें दिया है कि इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम एब्रॉड इज अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में सप्लाई हमको नहीं मिलने वाली है। इवन इट्स रिसोर्सेज फॉर प्रोक्योरमेंट आर नॉट ए कॉन्स्टेंट, अगर रिसोर्सेज कच्चा माल अगर मिल भी जाए तब भी हमको बाहर से भी सप्लाई नहीं मिलनी है। सो इट मस्ट हाउ एवर नीड द स्टेट्स को डिमांड दैट दे बी गिवन ए ग्रेटर से इन डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन। राज्यों के साथ मिलकर के काम किया जाए, सरकार एक जो है वैक्सीनेशन पॉलिसी को भी देखिए सरकार ने क्रिटिस, राज्य सरकारों ने उड़ीसा के पटनायक साहब को हमने देखा, सभी चीफ मिनिस्टर को उन्होंने लिखा है लेटर जो है, इवन कॉल भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी आलोचना की है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार अभी सोल बायर बन जाए और एक ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बना ली जाए, तो इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो मजबूत बनाया जाए, वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो, और तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बातों का वो थोड़ी सी इसमें बातों का है, इसको हमने सेकेंड पैराग्राफ को, बाकी सब ये डिटेल्स हैं, डिटेल्स हैं कि किस तरीके से अभी प्रत्येक महीने डोज की गिरावट आ रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, इसी आर्टिकल में इन बातों को बताया गया। और फिर हम देखते हैं कि अगले ये में देखें कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ए केस ऑफ ओवर रीच, ये भी एक किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल पे अलग अलग व्यू है, इसको आप, ये जनरली अच्छा होता है, इसको आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, जनरली अच्छा होता है इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा कि इसको हमने कर ही लिया, इसको जो है वो सॉरी इसको हमने कर लिया, और इसी को फिर बाद में भी है कि जर्नलिस्ट को कैसे जो है वो, ये उसी का बाद का ये पैराग्राफ है, बाद का पैराग्राफ है कि इस चीज को दिखाया गया है, इसको हमने कर लिया, इसको हमने कर लिया, और इसी का बाद का पैराग्राफ है जो कि वो सेडिशन चार्जेस का है, और वो इसमें देखिएगा कि थोड़ी सी चीजों को हम लोग ये देख करके बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या सरकार ने इसमें कुछ कहा है ये बातों को। और दुआ साहब जो है वो कोविड हो गया था, रिकवर कर रहे हैं, और कोर्ट जो है वो दुआ साहब के जो है वो जो उनके कमिटमेंट्स जो हैं उसको उन्होंने ये किया है कि दुआ साहब के जो है वो क्या उन्होंने दिया है कि एक रीसेंट ट्रेंड है वो मीडिया के खिलाफ की स्टेट गवर्नमेंट की वो पार्टिकुलर कोई टेलीकास्ट हो रहा है अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट में है तो उसको FIR उस पर दर्ज किया जा रहा है, जो पर्सन उसको ये कर रहा है तो इसको हरास करने के लिए, उनको डरवाने के लिए कि राज्यों के प्रति वो आलोचना ना करें,
इसको इसके प्ली को जो है वो और भी बातें थी, तो उस बातों को आप लोग देख लीजिएगा। तो उन्होंने क्या दिया, इस बातों को हम लोगों ने ये कर लिया। फिर आप आ जाइएगा कि कोई और विशेष जो है वो में बहुत सारी सीधे। अब ये न्यूज के लिए हम लाए थे आपको कि ये न्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये देखिएगा कि एक न्यूज आई है पेज नंबर 10 पे, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन ब्लैक कार्बन। और ये साइंस एंड टेक के लिए, जो साइंस एंड टेक के लिए ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ब्लैक कार्बन वो ग्लेशियर मेल्टिंग को, वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि मेल्टिंग को बढ़ा सकता है। एंड व्हाट इज ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन क्या, इसको हम लोगों ने इस चीज को हम वो स्लाइड के माध्यम से इसको हमने इसी को दो टुकड़ों में बांट करके हमने इसको किया, स्लाइड से बांट करके हमने इसको किया है। ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और देखिएगा कि इसको हम लोग वो करेंगे कि कैसे जो है वो इसको हम लोग करेंगे। और इसमें देखिएगा कि रीजनल कोलेबोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उसी बातों पे है ये, और ब्लैक कार्बन की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं ब्लैक कार्बन की वजह से। अब देखिएगा कि ब्लैक कार्बन डिपोजिट्स क्या है। ब्लैक कार्बन डिपोजिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड दे एक्सिलरेट द पेस ऑफ ग्लेशियर एंड स्नो मेल्टिंग इन द हिमालयन रीजन। तो ये क्या है कि वो बढ़ा देते हैं ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड से ही अलग होता है ब्लैक कार्बन। और ये इसको क्या कहा गया है कि ये रिड्यूस किया जा सकता है, और 50% करंट लेवल्स कैसे किया जाए, तो रीजनल और बायलेटरल स्तर पे सभी देशों में, क्योंकि हिमालय से तो चीन को भी, भारत को, सब देश जुड़े हुए हैं ना उससे, तो ब्लैक कार्बन की कटौती करनी चाहिए। और इसे रिसर्च हिमालय पे किया गया है, कारो कोरम और हिंदू कुश, हिमालय कारो कोरम और हिंदू कुश माउंटेन रेंज पे किया गया है। और ये बताया गया है कि ये यानी कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं पर ईयर 0.5, इसको आप लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए भी है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आपके लिए मुख्य परीक्षा में पेपर थर्ड में है, पेपर थर्ड में आपके लिए, पेपर थर्ड में इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है, और पेपर वन में, सॉरी, जीएस के प्री परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा वेस्ट साइड में 0.3 मीटर्स यानी कि 300 सेंटीमीटर के आसपास ये चेंज हो रहा है, और वेस्ट साइड में 1 मीटर पर ईयर ये ग्लेशियर पिघल रहा है। और क्लाइमेट चेंज पे इसका बहुत बड़ा दबाव है, क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा असर है, यास तूफान, तौक्ते तूफान, ये दोनों तूफान अभी हाल फिलहाल आए हैं बड़ी तेज गति से, इन सभी पे प्रभाव। अब ये क्या है कि वो इन बातों का कि किस तरीके से जो है वो, ये देखिएगा कि, और ये ग्लेशियर मेल्ट क्या करते हैं, फ्लैश फ्लड ला देते हैं, सॉयल इरोजन करते हैं। अभी ग्लेशियर भी टूटा था, अभी हमने देखा कहाँ टूटा था, अभी बताइए, अभी ग्लेशियर टूटने की घटना कहाँ पे हुई थी, फरवरी के महीने में हुई थी, बताइए, जरा लिख के भेजिए हमारे ग्रुप पे, लिख के भेजिए तो जानेंगे कहाँ पे हुई थी। तो इसका मतलब ये क्या है कि इस तरीके के रीजनल कॉपरेशन से जो है वो इन बातों को, और ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन, रीजनल जो बातें हैं उसी बातों की तरफ ये देखिएगा, ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन क्या है देखते हैं। ब्लैक कार्बन ये शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट, एक बहुत ऐसा प्रदूषक है जो कि बड़ा कम देर के लिए रहता है वातावरण,
हाँ बिल्कुल, चमोली में हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद है, बहुत बढ़िया याद है, चमोली में घटना हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये क्या है कि वो हुआ था ना ऋषि, हाँ उत्तराखंड, ऋषि गंगा, ऋषि गंगा, धौली गंगा और ऋषि गंगा, ऋषि गंगा और धौली गंगा है ना। तो ये दो नदियों पे वो ग्लेशियर को टूटने से बाढ़ आ गई थी है ना। तो हम नदियों को भी, हम ये जवाब ये होता ऋषि गंगा और धौली गंगा, ठीक है, वहां पे टूटा था ये। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीजों को आप जो है वो पूरा ध्यान में रखेंगे जो है ना, और भी पार्टिकुलर हो जाइए जवाब देने में, विशेष रूप से जवाब दीजिए। मैंने ओवरऑल चमोली ठीक है, लेकिन ऋषि गंगा धौली गंगा, और देखिए वो दोनों ट्रिब्यूटरी हैं किसके, अलकनंदा के, ज्योग्राफी भी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। ब्लैक कार्बन इज ए शॉर्ट लिव पोल्यूटर, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू वार्मिंग द प्लैनेट बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ब्लैक कार्बन जो है वो सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है, सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है, सेकेंड कंट्रीब्यूटर टू द पोल्यूशन। और ये देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अगर इफ यू कंपेयर ब्लैक कार्बन विद द अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ब्लैक कार्बन इज ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और एटमोस्फेयर से जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आप इसको रोकने का प्रयास करेंगे ब्लैक कार्बन को, तो ये आसानी से इसको इसको कम किया जा सकता है, बहुत दिन तक ज्यादा नहीं रहता। और इसके लोकलाइज सोर्स हैं, लेकिन इसके और लोकल इंपैक्ट है। ये ब्लैक कार्बन लोकल हो, लोकल प्रोड्यूस होता है और इसके लोकल इंपैक्ट होते हैं। और ये अब देखिएगा कि ब्लैक कार्बन जो है वो कहां से आते हैं। ब्लैक कार्बन फ्यूअल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से आते हैं। तो ब्लैक कार्बन की हम लोग देखेंगे कि ब्लैक कार्बन जो है वो कहां कहां से आते हैं, ये देखिएगा। प्लास्टिक, डीजल व्हीकल, इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, वो व्हीकल को हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा दें। डीजल व्हीकल की जो हम लोग जल्दी से जल्दी डीजल व्हीकल को वो उसको हटाने का हम लोग ये कर दें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो लाएं, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हाइड्रोजन सीएनजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, वो स्टोव का उपयोग नहीं हो, गैस का उपयोग हो। जो ईंट भट्ठे हैं उस ईंट भट्ठों में टेक्नोलॉजी वो को इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए, अपग्रेडिंग द ग्रेडिंग ब्रिक क्लीन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अनदर मेथड बाई विच वी कैन रिड्यूस द कार्बन ब्लैक कार्बन एमिशन। तो ये इस तरीके की ये है। अब इसमें रीजनल इंटीग्रेशन एंड कोलेबरेशन इज वेरी मच मच आफ्टर शॉर्ट मेथड, कि भाई रीजनल कोऑपरेशन हो, रीजनल कोलेबोरेशन हो देशों के बीच में। और ये ग्लेशियर चूंकि मेल्ट, क्या होता है कि फ्लैश फ्लड बढ़ जाते हैं, इससे भूस्खलन बढ़ जाती है, सॉयल इरोजन होता है, और ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स हो जाता है, जो कि अभी आपको धौली गंगा और ऋषि गंगा में देखा गया था। तो इस तरीके की जो बातें हैं, इन बातों में आप देखिएगा कि ये और किस तरीके से जो है वो। अब इसमें एक लास्ट का डेटा भी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन इट सेज इंडस्ट्री एंड रेजिडेंशियल बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल टुगेदर अकाउंट फॉर 45-60% ऑफ रीजनल एंथ्रोपोजेनिक बीसी डिपोजिशन। कि हमारे पास रेजिडेंशियल बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल का मतलब लकड़ी जला, इंडस्ट्री भी यूज करती कोयला लकड़ी, सब क्या होता है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल से बीसी का जो है वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब आ जाएगा आपके प्री परीक्षा में, प्री परीक्षा में आ जाएगा कि किस तरीके से आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक कार्बन इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम, मान लीजिए आ गया स्टेटमेंट, सॉलिड फ्यूल से, कोयले से और लकड़ी से ब्लैक कार्बन का ज्यादा ये होता है। अगर स्टेटमेंट आ जाए सही है कि गलत है, अगर मान लीजिए आ जाए तो क्या कहेंगे। और ये ज्यादा जो है ना,
सेकेंड क्या होता है कि रोड डीजल फ्यूल्स, रोड पे जो है वो डीजल जो यूज करते हैं, डीजल व्हीकल, पिछली सरकार का उस पर बहुत ज्यादा वो रोक है। और ओपन बर्निंग जो है, पराली आप जलाते हो, इन सब तक चीजों को आप जलाते हो, तो तीन इसके सोर्स। मान लीजिए यही पूछ दिया जाए एग्जाम में, क्या जवाब दोगे आप? यानी एक एक बातों को गंभीरता से पढ़ना, एक एक बातों को आपको गंभीरता से पढ़ना। अब देखिएगा कि हम लोग जो है लगभग सारे न्यूज को हम लोग आज कर चुके हैं, लगभग जो है। अब आइए, 2 मिनट में, समय भी काफी हो गया, 2 मिनट में हम हिंदी के न्यूज पेपर को उठा लेते हैं और उसमें मैं बता देता हूं कि किस तरीके से हिंदी के न्यूज पेपर को लास्ट आवर में हम लोग कर लेते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे आज के पेपर में क्या है। सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश है, अनाथ बच्चों के संरक्षण होंगे, डीएम जो है वो। और न्यूज पेपर में, हिंदी के न्यूज पेपर को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं, एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं, इसका क्या होगा, है ना, ये आपको देख लेना होगा। और स्वदेशी टीका विकसित हो गया है, 30 करोड़ डोज। बायोलॉजिकल ई को सरकार ने 1500 करोड़ रुपया भी दे दिया, इस बात को हम लोगों ने हिंदू में भी देखा। और साथ में जो है वो ये देखिएगा कि हमको तीसरे नंबर पेज पे हम आ जाएं राजनीति पे। और राजनीति पे देखिएगा कि ये एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार रविशंकर प्रसाद का है कि किस तरीके से इंटरमीडिएट मीडिया ये क्या कर रही है। व्हाट्सएप का न्यूज आ गया, व्हाट्सएप का भी न्यूज हम लोगों ने हिंदू में डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से सरकार ने क्या कहा है। सरकार ने कहा है कि डाटा संरक्षण विधेयक आने से पहले ये दबाव बना रहा है, तो ये सब चीजों को आप देख लीजिएगा। हमने इन बातों को डिस्कस किया है हिंदू की, जब हम लोग समीक्षा कर रहे थे न्यूज पेपर की। और ये देखिए कि पेज नंबर जो है वो इसमें भी कोई विशेष नहीं है। और राष्ट्रीय फलकों पे हवामा है और नीति आयोग का ये लक्ष्य को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। जो लोग हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। सतत विकास की ओर हम लोग लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, 2018 में इंडेक्स की शुरुआत हुई थी, ये पूरे चीजों को बहुत अच्छा दिखाया गया है, बहुत चीजों को बहुत अच्छा से दिखाया गया है, पूरे चीजों को। यहाँ भी हिंदी माध्यम के लोग अब शिकायत नहीं कर सकते हैं क्योंकि पास जो है वो, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। तो ये आपको देख लेना है, इन बातों को, इन बातों को आप देख लीजिएगा, ये पूरा न्यूज में आ गया। और वो ये बातों को आप देख सकते हैं। और अब देखिएगा बिजनेस में आ जाइए, बिजनेस में जो है वो हम लोग हिंदू में भी नहीं देख पाए थे कुछ चीजों का, हम आपको इससे बता दे रहे हैं कि क्या बिजनेस में आप देखिएगा। बिजनेस में देखिएगा कि बिजनेस में आज का वो शायद इसमें नहीं है, वो हिंदू में है, हिंदू में है, इसमें बिजनेस कॉलम में नहीं है। और वो मुझे लग रहा है कि विचारकों में आ जाइए, ये सब छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। और ये जो है वो अमिताभ कांत का एक है, वो नीति आयोग से शायद अमिताभ कांत जी जुड़े हुए हैं, तो नीति आयोग का अमिताभ कांत के ये देख लीजिएगा, तकनीक को ये छोड़ दीजिएगा। और फिर जो है वो इसको छोड़ सकते हैं, मूल्यांकन कार्य क्या होगा इसको आप छोड़ सकते हैं। साथ में जो है वो ये जो है वो ना शराबबंदी का कई बार जो है, शराबबंदी का कई बार तो इसको पढ़ भी सकते हैं, शराबबंदी पे इससे के लिए, ये सब चीज के लिए मैटर आपके लिए हो जाएगा, इसको वैचारिकी में छोड़ दीजिएगा ये। और ये जो है वो इसको छोड़ सकते हैं आप। हम लोग एक बात पे चले जाए, थोड़ा सा मैं बस 1 मिनट और समय लूंगा, 1 मिनट और समय लूंगा। और न्यूज पेपर का हम लोग लास्ट में जो है वो बिजनेस कॉलम में, जो कि वो हिंदी के न्यूज पेपर में नहीं है, वो यहाँ पे न्यूज पेपर में है आपको। और वो ये है कि बिजनेस कॉलम में था वो न्यूज, जो स्पोर्ट्स और बिजनेस कॉलम में, ये हमारा बिजनेस कॉलम की न्यूज है। ये है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ गया, सर्विस क्षेत्र में जो है वो इकोनॉमी जीएस पेपर 3, ये पेपर थर्ड के लिए उपयोगी है। सर्विस एक्सपोर्ट हमारे पास बढ़ गया है 6.4% में,
और सर्विसेज पीएमआई श्रिंक, और लेकिन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में जो है कमी, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हर एक महीने आता है, तो इसमें सर्विसेज जो है वो उसमें कटौती है, लेकिन एक्सपोर्ट पे हम कामयाब। अभी एक्सपोर्ट के मुद्दे पे हम लोग, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है और सर्विसेज एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। ये दो न्यूज आज की इंपॉर्टेंट, दोनों सर्विसेज से, इंटरनल सर्विसेज हमारे यहाँ वो कमी हो रही है क्योंकि कोविड के चलते, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ग्लोबली जब कोविड की स्थिति में सुधार है तो एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं। चलिए, इसी के माध्यम से ये चीजों का सेशन आज कुछ लंबा हो गया और ये हम लोग इसको एंड करते हैं आज के सेशन को। कल हम लोग फिर इस मिलते हैं, और हैव ए नाइस डे।